गाइज़ आप मेरे हाथ में पीएमजी दिशा की मार्कशीट देख सकते हैं मैं आपको पास से दिखा देता हूँ ये मेरी मार्कशीट है और इसे मैं आज ही लाया हूँ दरअसल गाइज हमने पीएमजी दिशा में रजिस्ट्रेशन कराया था जिसमें हमें एग्ज़ाम देना पड़ा था तो हमने एग्ज़ाम को दिया था और मैं सक्सेसफुली उत्तीर्ण हूँ पास हूँ तो मुझे उसका सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया है तो उसे मैंने आज ही निकलवाया है तो मुझे लगा क्यों ना हम आपको पीएमजी दिशा के बारे में डिटेल में बताएं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर पीएमजी दिशा कोर्स है क्या दरअसल दोस्तों ये प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित किया गया कोर्स है उन्होंने एक अभियान चलाया है जिसमें वो चाहते हैं कि हमारे देश के जितने भी लोग हैं वो डिजिटल हों साक्षर हों तो इसलिए उन्होंने एक कोर्स इशू किया है जो कि पी दिशा के नाम से ये पूरी तरह बिल्कुल फ्री है और इसे गवर्नमेंट कराती है सी केंद्र पे अगर आपके पास सी है तो आप इसे इस कोर्स को करा सकते हैं और मैं आपको बता दूं कि इसका टर्नओवर जो है वो पाँच लाख का ये प्रोजेक्ट है तो इसमें बहुत ही अच्छा बेनिफिट होता है काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो जाता है जो लोग पी दिशा का कोर्स कराते हैं तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे बच्चों के लिए बच्चों के लिए बात करेंगे कि आखिर पी एम दिशा कोर्स करना चाहिए उन्हें या फिर नहीं इसमें क्या बेनिफिट है अगर करते हैं अगर वो करना चाहते हैं तो क्या उनकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए क्या कब कहाँ तक पढ़े होने चाहिए या फिर कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ये सब उसके बाद हम बात करेंगे अगर आपके पास सी है तो आप कैसे ले सकते हैं उसके बाद हम बात करेंगे कि आप किस तरह से पी एम दिशा का कोर्स करा सकते हैं और कितना बेनिफिट होगा अगर आप कोर्स कराते हैं पी एम दिशा का और कितने का टर्न है ये सब प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि अगर आपके पास सी सी नहीं है तो भी आप कैसे पीएमजी दिशा का कोर्स करा सकते हैं और पीएमजी दिशा का कोर्स कराने के लिए सेंटर लेने के लिए क्या आप आपके पास होना चाहिए सब बात करेंगे तो सबसे पहले हम स्टूडेंट के लिए बात करते हैं मैं आपको बता दूं अगर आप एक स्टूडेंट हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो पीएमजी दिशा एक बहुत ही अच्छा कोर्स है और अच्छी बात तो यह है कि ये बिल्कुल फ्री है और अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी उम्र चौदह साल से लेकर साठ साल के बीच होनी चाहिए और यूँ समझ लीजिए चालीस साल पर अधिकतम साठ साल तक यहाँ पर अप्रूव हो जाता है अगर आपकी उम्र सोलह साल से चालीस साल के बीच है तो आप बिल्कुल हंड्रेड परसेंट इलिजिबल हैं इसके लिए बाकी यहाँ पे आपको जरूरी नहीं है कि आप पढ़े हों टेन तक पढ़े हों फाइव तक पढ़े हों यहाँ पे आपको कोई प्रूफ नहीं देना होता अगर आप पढ़े हैं तो अच्छी बात है नहीं पढ़े हैं तो भी आप पी दिशा का कोर्स कर सकते हैं चूंकि वहां पर एक सॉलिड प्रूफ नहीं देना होता एजुकेशन का तो अगर आप पढ़े हैं तो भी आप पी दिशा का कोर्स कर सकते हैं नहीं पढ़ें तो भी ये बहुत ही अच्छी बात है और बात करें एग्ज़ाम कैसे होता है या फिर अगर सबसे उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको पढ़ाया क्या जाता है तो देखिए ये दस दिन का कोर्स है इससे ज़्यादा भी आप क्लास कर सकते हैं लेकिन दस दिन बिल्कुल फ्री में क्लास कराया जाता है आपको सेंटर की तरफ से जहां आपका एग्ज़ाम होने वाला होता है और मैं आपको बता दूँ कि दस दिन आपको ज़रूरी होता है ट्रेनिंग देना अगर आप 10 दिन क्लास नहीं करेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम है जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे वेरीफाई ही नहीं होगा इसलिए आप 10 दिन का कोर्स ज़रूर करें और अगर आप जैसे आज रजिस्ट्रेशन कराते हैं इसमें एडमिशन लेते हैं पे दिशा में तो कम से कम आपको दस दिन वेट करना पड़ेगा ऐसा सोचें कि आज रजिस्ट्रेशन कराएं और चार दिन बाद हम एग्ज़ाम दे दें पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे दस दिन आपको कम से कम वेट करना ही पड़ेगा दस दिन का ये क्लास होता है इसमें सब कुछ आपको बेसिक सिखाया जाता है जैसे कंप्यूटर क्या होता है कैसे स्टार्ट होता है एम एस वर्ल्ड के बारे में या फिर एम एस ऑफिस के बारे में जितने भी उसके वर्जनस हैं पावर पॉइंट ऑफिस वगैरह ये सब साथ ही आपको एडोप की जानकारी थोड़ी बहुत दी जाती है और इसके साथ ही आपको कंप्यूटर के फंडामेंटल्स बताए जाते हैं सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह बताया जाता है तो ज़्यादा कुछ नहीं है बहुत ही बेसिक है बट अगर आप कंप्यूटर बिल्कुल भी आपके पास जानकारी नहीं है कंप्यूटर की तो आई होप कि आपको आप ये कोर्स ज़रूर करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स है और मैं आपको बता दूँ इस मार्कशीट का अगर मैं बात करूँ इस मार्कशीट को आप कहाँ लगा सकते हैं तो मैं पूरे दावा के साथ कह सकता हूँ आप कहीं भी इसे लगा सकते हैं जहाँ पे कंप्यूटर कोर्स मांगा गया हो और वहाँ पे केवल ये ना बताया गया हो कि नहीं आप ट्रिपल सी की मार्कशीट लाइए या फिर ए डी सी के लाइए अगर आपको कंप्यूटर कोर्स मांगा जाता है तो आप वहाँ पर लगा सकते हैं बट हाँ लेकिन वहां पर अगर एक पर्टिकुलर कोर्स मांगा जा रहा है जैसे ट्रिपल सी का मांगा जा रहा है या फिर ए का मांगा जा रहा है तो फिर प्रॉब्लम होगी ही होगी लेकिन ऐसे किसी भी संस्था में आप इस मार्कशीट को लगा सकते हैं जहां पर कंप्यूटर कोर्स मांगा जा रहा है ऐसा नहीं है कि हाँ आप ए डी सी ए लाइए या फिर छः महीने का कम से कम कोर्स लाइए तो वहाँ पे आप इसे नहीं लगा सकते लेकिन अगर कंप्यूटर कोर्स कहीं मांगा जा रहा है तो वहाँ पे आप बिल्कुल बेहिचक लगा सकते हैं ये बिल्कुल वर्क करेगा क्योंकि ये कंप्यूटर कोर्स ही है बस यहाँ पर केवल बेसिक सिखाया जाता है इसलिए कहीं कहीं पर छः महीने का मांग लिया जाता है मार्कशीट तो ऐसे में आप ट्रिपल सी या फिर ए डी सी ए जहाँ पर पर्टिकुलर मांगा जाता है यही दे सकते हैं लेकिन कंप्यूटर कोर्स के लिए आप इसे दे सकते हैं कहीं पे मांगा जाए बस वहाँ पे क्लेरिफिकेशन ना हो कि आप सिर्फ ए डी सी ए का लाइए या फिर ट्रिपल सी का लाइए या फिर आप एक एक साल का कोर्स लाइए तो ऐसी जगह आप नहीं दे सकते लेकिन अगर आपसे कंप्यूटर का कोर्स कहीं मांगा जा रहा है तो वहाँ पर आप दे सकते हैं तो हमने अभी तक किया बात स्टूडेंट के लिए कि स्टूडेंट का क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए मैं वापस से बता दूं आपको स्टूडेंट का इसमें एक फ़ोटो लगता है मार्कशीट आपको कुछ भी नहीं देना होता आपको सॉलिड प्रूफ नहीं देना है कि आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं अगर आप अनपढ़ भी हैं नहीं पढ़े लिखे हैं तो भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं पी एम जी दिशा में कंप्यूटर की मार्कशीट इशू होती है दस दिन आपको कम से कम ट्रेनिंग देना होता है दस दिन तक वेट करेंगे तभी आप एग्ज़ाम दे पाएंगे और इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है पूरा पूरा एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा वीडियो आपका वहाँ पे जाता रहेगा जो भी आपके आ, सीनियर ऑफिसर होंगे सेंटर के उस सेंटर के उनके पास रिकॉर्डिंग इसकी जाती रहेगी बिल्कुल यहाँ पर वीडियो कॉल के थ्रू एग्ज़ाम होता है आपकी वॉइस तक जाती है आवाज़ भी रिकॉर्ड होता रहता है अगर आप यहाँ पे बैठ के जैसे मैं वीडियो के सामने हूँ और मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ अगर मेरे पीछे से कोई गुजर जाए तो वो लोग देखते रहते हैं तो उनको तुरंत पता चल जा जाता है कि शायद चीटिंग कर रहा है स्टूडेंट तो वहाँ पे रिजेक्ट कर देते हैं इसलिए अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो कभी भी पीएमजी दिशा का तो आपको बिल्कुल अकेले में होना चाहिए और कोई इधर उधर ना या फिर इधर उधर की आवाज़ ना आए नहीं तो आपका एग्ज़ाम रिजेक्ट हो सकता है तो एग्ज़ाम के दौरान आपको आधार कार्ड लेके जाना होता है और बस आपको कुछ खास नहीं ले जाना है बस आप ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाइए वहाँ पे स्कैन होगा और आपका एग्ज़ाम सक्सेसफुली हो जाएगा और बात करें मार्कशीट आपको कितने दिन में मिलेगी आपको मार्कशीट अगर आप, आप आज एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आज से ठीक एक महीने बाद आपकी मार्कशीट इशू कर दी जाती है तो आपको एक महीने का टाइम लगता है तो अभी तक हमने स्टूडेंट के बारे में बात किया मार्कशीट आप अच्छे से देख लीजिए देखिए कुछ इस तरह से तो मैं इससे भी दिखा देता हूँ बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन का टिक है मैं इस मार्कशीट को कहीं भी लगा सकता हूँ जहाँ पे कंप्यूटर कोर्स मांगा जा रहा हो बस वहाँ पे क्लेरिफिकेशन ना हो कि हाँ आप ट्रिपल सी लाइए डी सी ए अगर ऐसा है तो फिर मैं नहीं लगा सकता बट अगर कंप्यूटर कोर्स मांगा जा रहा है और कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है कि किस कोर्स को लाइए तो वहाँ पे आप, आप बिल्कुल दे सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो बच्चे को एक आईडी भी दी जाती है पीएमजी दिशा का और अगर आप हाँ मैं आपको ये भी बता दूँ अगर आप चाहें तो इसका कोर्स ऑनलाइन भी कर सकते हैं पी दिशा यूट्यूब पर आपको एक चैनल मिल जाएगा हिंदी पंजाबी उर्दू सॉरी हिंदी पंजाबी कन्नड़ ऐसे बहुत सारे भाषाओं में आपको वीडियो मिलेगी जो कि पी दिशा से रिलेटेड होगी वो अगर आप पूरे वीडियो को देखते हैं तो पक्का आप जो है पी एम जी दिशा का एग्जाम निकाल लेंगे यहाँ पे ज़्यादा टफ नहीं होता एग्ज़ाम मैं आपको बता दूँ मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स का ख़ुद ही मैं एग्ज़ाम दिया हूँ जो कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे स्टूडेंट थे, थे, थे जो कि एलिजिबल नहीं थे जो कि पढ़े लिखे नहीं थे और उनका क्लास भी नहीं कराया था तो उनका एग्ज़ाम मैंने ही दिया था तो मैं आपको बता दूँ एग्ज़ाम में ज़्यादा टफ़ क्वेश्चन नहीं आते हैं बहुत ही सरल आते हैं वर्ड से रिलेटेड पावर पॉइंट से रिलेटेड और इंटरनेट से हल्का फुल्का आता है और हाँ टाइपिंग यहाँ पर कम से कम आपको करना आना चाहिए यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप पाँच मिनट में करिए दस मिनट में करिए आपको आधे घंटे पूरे पूरे समय मिलते हैं इस दौरान आप अगर दस मिनट में भी कर लेते हैं टाइपिंग ना ज़्यादा नहीं होता एक पैराग्राफ होता है दस मिनट में अगर एक पैराग्राफ आप टाइप कर लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से एग्ज़ाम इसका पास कर लेंगे एग्ज़ाम कुछ खास नहीं है इसका बहुत ही सिंपल होता है इसका एग्ज़ाम और मैं आपको बता दूं इस ये जो सर्टिफिकेट इशू हुआ है ना इलेक्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इशू हुआ है बहुत ही सॉलिड प्रूफ है कंप्यूटर कोर्स के लिए इसलिए आप इसे हल्के में मत लीजिए और अब मैं बात कर लेता हूं कि अगर आपके पास सीएससी है या फिर अगर आप पी दिशा का कोर्स बच्चों को कराना चाहते हैं तो आप कैसे करा सकते हैं अगर आपके पास सी सी है तो भी करा सकते हैं नहीं है तो भी तो मैं आपको बता दूं अगर आपके पास सी है तो आप बिल्कुल वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके ले सकते हैं पी एन जी दिशा का आई और पासवर्ड लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो मेरे ख्याल से आपको कांटेक्ट करना चाहिए जिनके पास सी सी है वो काफ़ी सारे ऐसी सी एस होती हैं जहाँ पे पी दिशा का कोर्स नहीं कराया जाता क्योंकि बच्चों को वो क्लास नहीं कराते हैं काफ़ी सर्विसेज देते ज़रूर हैं बट क्लास नहीं कराते तो ऐसे में पी दिशा कोर्स वो लोग नहीं लेते हैं बट उन्हीं की सी एस से आप उन्हें कुछ पैसे देकर चूँकि पाँच लाख का टर्न होता है यहाँ पर पूरा जो प्रोजेक्ट है पाँच लाख का है और पाँच बच्चों को आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके पास कराना होता है पास कराना बहुत ही आसान है आप नकल भी करा के पास कर सकते हैं बट ये पूरा पूरा गलत है ऐसा नहीं करना चाहिए आपको बच्चों को ट्रेनिंग देना चाहिए दस दिन का ज़्यादा वैसे भी नहीं है तो यही है और मैं आपको बता दूं अगर आप के पास सीएससी नहीं है तो आप सीएससी किसी नज़दीकी सीएससी पर जाइए उनसे कांटेक्ट करिए बोलिए उनको कि आप हमसे कुछ ले लीजिए बट आप हमें पीएमजी दिशा का आईडी पासवर्ड इशू कर दीजिए ताकि मैं बच्चों को पीएमजी दिशा का कोर्स करा सकूं और बहुत ही आसान है वो मान जाएंगे अगर आप उन्हें कुछ पैसे दे देंगे तो अपनी आई से वो इशू करवा देंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से तो बहुत ही टनवर इसमें इनकम अच्छा खासा है पाँच लाख का प्रोजेक्ट है अगर आप पाँच बच्चों को दस दिन की ट्रेनिंग दे करा देते हैं तो आपका पाँच लाख कहीं नहीं गया है और अगर बात करें पेमेंट की कि इसका पेमेंट कब आता है आपने बहुत बच्चों को एडमिशन भी दिया उनका एग्ज़ाम भी सक्सेसफुली करा दिया वो पास भी हैं तो पेमेंट की प्रॉब्लम है तो मैं आपको बता दूं पेमेंट के लिए आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि पेमेंट इसका बहुत ही फास्ट होता है बिल्कुल सिक्योर है देखिए अगर आप इस महीने में एग्ज़ाम करा रहे हैं तो नेक्स्ट महीने में आपका पेमेंट आ जाता है अगर बच्चे सक्सेसफुली पास हैं तो आपका नेक्स्ट महीने में पेमेंट आ जाएगा उन बच्चों का पेमेंट नहीं आता है जो फेल हो जाते हैं इसलिए आपको कोशिश करना चाहिए नकल वकल करा के कि बच्चों को पास कराने की चूंकि अगर बच्चे फेल होते हैं ना तो आपका पैसा डांट चला जाएगा आपको पैसा नहीं मिलेगा उन बच्चों का इसलिए आपको पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को पास कराने की तो पीएमजी दिशा के बारे में यही है मुझे लगता है हमने सब कुछ बता दिया है और अगर आपको लगता है कि हमसे कुछ छूटा हुआ है कोई प्रश्न है आपका सुझाव है या फिर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप बेहिचक हमें कमेंट में पूछ सकते हैं मैं आपको बता दूं हमारे चैनल की यही खासियत है कि आपको एक दिन के अंदर अंदर हर एक कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा इसलिए आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं नीचे जो भी कन्फ्यूजन हो पूछ सकते हैं मैं इतना एलिजिबल हूं कि आपको हर एक कमेंट का जवाब दे सकता हूँ पी दिशा से रिलेटेड हमने पी दिशा कोर्स कराया भी है और उनका एग्ज़ाम भी दिया है उनको पास भी कराया है नकल भी कराया है बट हमने उनकी ट्रेनिंग भी कराई है कोशिश यही किया है बच्चों को ट्रेनिंग में ज़रूर बुलाया है हमने तो आपको भी ट्रेनिंग में ज़रूर बच्चों को बुलाना चाहिए क्योंकि किसी के साथ धोखा करना ये अच्छी बात नहीं है तो यही है बाकी आप जो पूछना है कमेंट में पूछ सकते हैं और अगर आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह के नए और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लाता रहता हूँ